मध्य प्रदेश की सिंगरौली में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अवैध शराब को जब्त किया। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। हाँ, सिंगरौली जिले में जब से नवागत पुलिस कप्तान श्री रियाज इकबाल जिले में आए हैं, वो अवैध धंधों, नशाखोरी, नशा के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने किया है। उसके उनके इस निर्देशन में हम लोगों ने हमारे क्षेत्रों में जो है अवैध जो नशाखोर हैं, नशा के सौदागर हैं, उन पर मुखबिर सक्रिय किए थे। आज सुबह सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की बुलेरो में शराब जो है वो यूपी की तरफ जा रही है, तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। तो दुधीचुआ बॉर्डर पर उसे पकड़ा, तो बुलेरो एक अश्वनी तिवारी नाम का व्यक्ति चला रहा था जो इलाहाबाद का रहने वाला था, और बुलेरो की तलाशी में 28 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब मिली है जो लगभग कीमती 2 लाख रुपए की, जिसे जब्त किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इलाके में पिछले काफी समय से यहां पर अवैध शराब का धंधा जोरों से फल फूल रहा था, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और शराब का अवैध धंधा करने वालों में खलबली मचा दी।